आइए हम सब मिल करके परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, आज आपने मुझे नया दिन दिया परमेश्वर और मुझे संभाल कर रखा परमेश्वर। मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। आज के दिन मेरे सारे कार्यों को आपके ऊपर मैं पिता परमेश्वर सौंपता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और खुदावंद आपने मेरे परिवार को पिता परमेश्वर संभाल कर रखा और मैं अपने परिवार को हर एक व्यक्ति को हर एक लोग को हर एक सदस्य को सौंपता हूँ परमेश्वर। आप हमारे परिवार में शांति और हमारे पड़ोस आस पड़ोस के लोगों को भी शांति रखते हैं परमेश्वर। आप तो सर्वश्रेष्ठ हैं, इस सृष्टि के राजा उद्धारकर्ता जीवनकर्ता सब देने वाले हैं पिता परमेश्वर, आप ही उद्धारकर्ता हैं परमेश्वर। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस प्रार्थना को जो विश्वास के साथ सुनते हैं। उनके हर एक जीवन को मसीह भाई बहन को आप आजाद करें जो किसी प्रकार के दुख मुसीबत क्लेश में चल रहे हैं पिता परमेश्वर। आपसे विश्वास के विनती के द्वारा परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रभु। यदि वो बीमार है तो पिता परमेश्वर उनके बीमार अंगों पर हाथ रखे, उनको आशीर्वाद दीजिए पिता परमेश्वर और उनको छुए पिता परमेश्वर को चंगे हो जाए परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं सुंदर से समय के लिए प्रभु। हम आपके चरणों में आकर के प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। तो आपकी प्रार्थना को विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं परमेश्वर। उनको आप आज आशीष दीजिए परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु सुंदर से समय के लिए परमेश्वर। उनके जीवन के हर एक दुख को मुसीबत को देखिए पिता परमेश्वर। वो आपसे विनती और निवेदन करते हैं, रो रो करके प्रार्थना करते हैं प्रभु। उनके जीवन में आप हर एक प्रकार के क्लेश को दुख को मुसीबत को देखिए पिता परमेश्वर। आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, इस संसार के राजा उद्धारकर्ता जीवन देने वाले पिता आप हैं परमेश्वर। आपके द्वारा पिता परमेश्वर वो चंगे होंगे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए प्रभु। हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में आप आशीष देंगे परमेश्वर जो इस प्रार्थना को विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं और हमारे वीडियो पर कमेंट करते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करें परमेश्वर। आज मसीह भाई बहनों के लिए सभी लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। उनको आप आजाद कीजिए परमेश्वर जो इस प्रार्थना को विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं प्रभु। उनको आप आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आप तो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हैं, आप तो इस देश के इस संसार के इस सृष्टि के उद्धार करता है पिता परमेश्वर। आपके द्वारा पिता परमेश्वर हर वो चीज संभव है जो परमेश्वर आपसे प्रार्थना करके मांगी जाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना के द्वारा मांगते हैं प्रभु, आप उनके जीवन में हर एक दुख को मुसीबत को मिटा दीजिए प्रभु। उनके हर एक दुख को तकलीफ को देखिए परमेश्वर। जो आपसे हर एक काम की उम्मीद रखनी पिता परमेश्वर, अपने कामों में सफल होना चाहते हैं, अपने हर एक चीजों में जो सफल होना चाहते हैं पिता परमेश्वर, उन्हें आशीष दीजिए। जिनके पास पिता परमेश्वर घर नहीं, उनको घर दीजिए पिता परमेश्वर। वहां आपसे विनती और निवेदन और प्रार्थना करते हैं प्रभु। उनके हर एक दुख को तकलीफ को देखिए परमेश्वर। आप तो सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर, आप तो हर एक मन के जांचने वाले यहोवा परमेश्वर है पिता परमेश्वर। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम तो किसी के मन की नहीं जानते, लेकिन पिता परमेश्वर आप सब कुछ जानते हैं प्रभु। उनके हर एक दुख को, हर एक तकलीफ को, हर एक मुसीबत को, हर एक तंगी को पिता परमेश्वर आप जानते हैं। हम नहीं जानते परमेश्वर, लेकिन आप सबको जानते हैं प्रभु। वो आपसे विनती और निवेदन और प्रार्थना करते हैं प्रभु। उनके जीवन में आप आशीष दीजिए। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए कि परमेश्वर आपने हमें चुना है। लाखों लोग करोड़ों लोग हैं पिता परमेश्वर संसार में, लेकिन आपने हमें चुना है पिता परमेश्वर। तो हम आपसे प्रार्थना और निवेदन करते हैं प्रभु कि हमारे हर एक दुख को तकलीफ को आप पिता परमेश्वर देखेंगे, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने हमें जीवन दिया, स्वास्थ्य दिया, हर एक पल हमें संभाल कर रखते हैं पिता परमेश्वर। मेरे घर पिता, मेरे भाई बहन, माता पिता, जो भी मेरे परिवार में सदस्य, उनको भी आप संभाल कर रखते हैं प्रभु। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए प्रभु कि आपने मुझे चुन करके रखा है पिता परमेश्वर, अभी तक संभाल करके रखा और मेरे जीवन को संभाल कर रखेंगे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आपने मुझे हर एक पल मुझे आपके चुन चुन करके मैंने कदम रखा है पिता परमेश्वर। आपने जिस तरीके से पिता परमेश्वर चलाने की कोशिश की, लेकिन मैं उस तरीके से नहीं चल पा रहा हूँ, लेकिन पिता परमेश्वर मैं आपसे हर पल माफी मांगता हूँ पिता परमेश्वर। मुझे आप चलाइए, मुझे समझ दीजिए, बुद्धि दीजिए पिता परमेश्वर कि आपके वचन पे मैं चल सकूं, प्रार्थना कर सकूं, विनती कर सकूं पिता परमेश्वर। आपने हर एक पल को हमारे लिए अनमोल ठहराया है पिता परमेश्वर, लेकिन हम आपसे प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। हमारे दुखों को, तकलीफ को पिता परमेश्वर, जो किसी प्रकार के मसीह भाई में नशों की लत से जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर, उनको आप आजाद कीजिए परमेश्वर, क्योंकि आप तो पिता परमेश्वर सबको आजाद करने आए हैं पिता परमेश्वर। जो हम
प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं। पिता ने हमें कहा कि जो मेरे बेटे पर विश्वास करेगा, प्रार्थना करेगा, उसके नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। उनको आप आशीष देंगे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने हमें हर पल हर समय हर देख करके पिता परमेश्वर हमें आशीष दी है पिता परमेश्वर। हमारे खेतों में, घरों में, दुकानों में, जो भी हमारा पास बिजनेस है पिता परमेश्वर, नौकरी में, हर एक प्रकार में आपने हमें आशीष दी है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आज आपने हमें संभाल कर रखा प्रभु। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर एक प्रकार के दुष्ट आत्मा के प्रभाव से जो व्यक्ति जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर, उनको ठीक कीजिए पिता परमेश्वर। अंधे जो हैं पिता परमेश्वर, वो देखने लगे पिता परमेश्वर। जो बहरे हैं वो पिता सुनने लगे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हर एक दुख को, तकलीफ को जो है आपके चरणों पर हम सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पिता मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। हर एक मसीह भाई बहन के द्वारा पिता आपको सारी महिमा और आदर सम्मान केवल सिर्फ आपको देते हैं परमेश्वर। आपको हर एक दुख को, मुसीबत को आप देखने वाले हैं पिता परमेश्वर। यहोवा हैं, आपको आदर और महिमा और सम्मान करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।